प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का टारगेट विद एमआर गोर्सिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पाठ संख्या 4, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। ये पाठ प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। डीट, पुलिस, कांस्टेबल, पटवारी इत्यादि में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना। तो अपन शुरू करते हैं आज राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। यहाँ अपन देखते हैं सबसे पहले किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों, वहाँ की जलवायु से प्रभावित होती हैं और उपलब्ध संसाधनों वह संस्कृति से प्रभावित होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात है इसका रंग बिरंगापन। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग में जितनी विविधता व जितने प्रकार मिलते हैं वह अद्भुत है। इसलिए तो कहा भी गया है, मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवण तीजो कसुमल रंग का अर्थ है लाल। क्या कहा गया है, मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवाण तीजो कसुमल रंग अर्थात लाल रंग। अब अपन देखते हैं पुरुष परिधान कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो कालीबंगा और आर्य सभ्यता के काल में राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन था। ये आपको यहाँ पर आप देख सकते हो सूती वस्त्रों के बारे में। इन स्थानों से उत्खनन में प्राप्त रुई कातने के चक्कर तकली इस बात के प्रमाण है कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है जहाँ राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। सर्दी में अंगरखी प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए तथा काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्ले को लटकाकर पहनी जाती थी। धोती घुटनों व अंगरखी जांघों तक होती थी। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधानों में भी अंतर है। राजस्थान में चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इनमें राजाओं के मुकुट, पल्ले वाली पगड़ियाँ, दुपट्टे, कसीदी की गई धोतियाँ, मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। मुगलों के संपर्क में इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियाँ, जैसे ये देखो क्या है, इसे प्रश्न पूछेंगे तो पगड़ियों के प्रकार है अटपटी, अमरसाई, उदयसाई, खंजरसाई, शिवसाई, विजयसाई, शाह, शहजहानी मुख्य हैं। ये पगड़ियों के प्रकार है। तो प्रश्न यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि अमरसाई क्या है, उदयसाई क्या है, अटपट्टी क्या है, खंजरसाई क्या है, शिवसाई क्या है, विजयसाई क्या है, शाहजहानी क्या है। तो ये पगड़ियों के प्रकार है। विविध पेशे के लोगों में पगड़ी के पेंच और आकार में अंतर होता है। सुनार आंट वाली पगड़ी तथा बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते हैं। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियां पहनने का रिवाज था। मोठड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर, अब देखो यहाँ कौन सी पगड़ी विवाह उत्सव पर, मोठड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर, लहरिया श्रावण मास में, दशहरे पर मदिल तथा फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में आती थी। तो ये अलग अलग मोठड़े कब पहनी जाती थी, विवाह उत्सव पर, श्रावण मास में लहरिया, दशहरे पर मदील, फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली के काम में आती थी। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोशपेच, पछेवड़ी, लटकन,
फत्ते पेच आदि का प्रयोग होता था। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा बांधते थे। आगे अपन देखते हैं, वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है। अपने गौरों की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में यह कहावत प्रचलित है, पगड़ी की लाज रखना। ये राजस्थान की प्रमुख कहावत है, क्या है? पगड़ी की लाज रखना। इसका प्रयोग तेज धूप से सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवाह आदि उत्सव में सम्मान देने की प्रथा आज भी विद्यमान। अंगरखी जो सामान्य जन पहनावा था, समय के अनुसार परिवर्तित हुई और उसे विविध नामों से पुकारा जाने लगा। अंगरखी के विविध प्रकार बनाए गए, जिनको क्या कहते हैं, तनसुक दुत्तई, उसके बाद में इसको और किस नाम से जानते हैं, या अपन देखते हैं तनसुक दुत्तई कहते हैं, उसके बाद में गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, काणो, डगला आदि। सर्दी के मौसम में इनमें रुई भरी जाती है। सर्द ऋतु में कंधों पर ठेस साल पामड़ी डाले दिए जाते हैं। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत ने पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया है। पैंट कमीज सर्व स्वीकृत परिधान बन गया। फिर भी राजस्थान का बंद गला या जोधपुरी कोट अलंग से प्रसिद्ध है। कहाँ का? जोधपुर का कोट। अब देखो, अपन देखते हैं स्त्री परिधानों के बारे में। तो यहाँ देखो, स्त्री परिधान जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, उसी प्रकार स्त्रियों के परिधानों के प्रमाण भी प्राप्त होती हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधो वस्त्र पहनती थी, जो अब राजस्थान में घाघरा नाम से जाना जाता है। घाघरा, अधो वस्त्र। पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई और कसीदे का काम भी प्रचलित हो गया था। राजस्थान की घुमक्कड़ जाति और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। प्रारंभ में तो अधो वस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वही कलांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बना। इसका छोटा रूप है लहंगा। घाघरे का छोटा रूप क्या कहलाता है? लहंगा। ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन। कुर्ती के नीचे कांचली अर्थात बाह वाली अंगिया पहनी जाती है। कांचली, बाह वाली अंगिया। अब देखो, साड़ियों के विविध नाम प्रचलित है। जिस प्रकार पगड़ियों के नाम थे, उसी प्रकार अपन देखेंगे साड़ियों के विभिन्न नाम प्रचलित है। देखो यहाँ पर सोल है, उसके बाद में निचोल, पट, दुकूल, अंकुश, वचन, सिर पटोरी, सोरसो, ओढ़नी, सूंदड़ी, धोरा वाली साड़ी, ये अलग अलग नाम से जानते हैं। चूंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख है साड़ियाँ। स्त्रियों के परिधान के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे, जिन्हें जमादानी, जिनको अलग अलग नाम से जमादानी, किमखाब, टसर, सीट, मलमल, मखमल, पारसा, मशरू, शिक, इलायची, महसूदी, शिक, मीर ए बादला, उसके बाद में नौरंगशाही, बहादुरशाही, फरूकशाही सीट, बापता, मोम जामा, गंगा जली आदि नाम से जानते हैं। अब देखो, राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषता। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि राजस्थान के क्या विशेषता है। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में कुछ वस्त्रों से संबंधित थे। तो ये देखो, अच्छा प्रश्न है, 36 कारखाने किससे संबंधित? सवाई जयसिंह से। यथा सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना, क्रमश कपड़े सिले व रंगे जाते थे। ये सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नीलगर करते थे। रंगाई काम करने वालों क्या करते हैं? नीलगर। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियां, साफे, ओढ़नी, घाघरे तथा अंगरखी प्रमुख हैं। रंगाई के प्रमुख प्रकार पोमचा, लहरियां, सूंदड़ी हैं। इनके अलावा रंगरेज, चौकड़ी का जाल, पतंगा, धनक आदि भातें भी रंगते हैं। पोमचा का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय की ओढ़नी। नवजात शिशु की माँ, अच्छा प्रश्न बनता है, माँ के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाब पोमचा, पीला पोमचा बेटे के जन्म पर, बेटी के जन्म पर गुलाब पोमचा देने की परंपरा है। अब आगे देखते हैं अपन, यहाँ देखो इसके बाद में श्रावण में विशेष तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भांत की ओढ़नी
तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। श्रावण की तीज को ध्यान रखना। लहरिये 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं। 5 संख्या शुभ मानी जाती है। मांगलिक अवसरों पर पंचरंग लहरिया पहना जाता है। लहरिये की कई भांतें प्रचलित हैं। प्रतापशाही लहरिये का उल्लेख साहित्य में मिलता है। जयपुर के रंगरेज नीलगर राजाशाही लहरिये रंगते थे, जिसमें समकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरियां तथा दोनों ओर से हो एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो वह क्या कहलाता है? मोठड़ा कहलाता है। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज, ये समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां बनती हैं। समुद्र लहर भी 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनता है। आगे अपन देखते हैं, बुद्ध तकनीक में चुंदड़ी के बंदे सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। कोई भी मांगलिक कार्य चुंदड़ी के बिना अपूर्ण है। जोधाना अर्थात जोधपुर बनी चुंदड़ी के रंग बड़े चमकीले टिकाऊ बंदेज बारीक होती हैं। शेखावटी की गिनती भी बारीक बंदेजों में की जाती है। अब अपन आगे देखते हैं, पहले राजस्थान में मलेगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी प्लेस जयपुर में रखी महाराजा रामसिंह द्वितीय की अंगरखियाँ अभी तक सुगंधित हैं। कहाँ पर हैं सिटी प्लेस? कहाँ पर है? जयपुर में। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे और खाकी रंग से मिलता जुलता था। आज छपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। पीपार जोधपुर एवं पाली में बड़े व सशक्त अलंकरण छपते जिसमें लाल काले नीले और हरे रंगों की प्रमुखता रहती है। बाड़मेर अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात। अजरक कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बाड़मेर के। लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता है। किस रंग में होता है? लाल व नीले रंग दोनों ओर की छपाई। इसके अलंकरण ज्यामिति होते हैं, तुर्की टाइलों से संबंधित मिलते हैं। आड़ और भीलवाड़ों में मुख्य रूप से लाल और काले सुंदरी छपाई जाती है, पर ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए आगे देखते हैं, मुख्य रूप से लाल और काले रंग में सुंदरी छपाई जाती है, पर ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता मोर या ऐसे फूल पत्ती पीले गुलाब और हरे रंग से बना होता है। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण कस्बा छिपो का अकोला कहलाता है। कहाँ पर है? अकोला का। अकोला की छपाई प्रसिद्ध, ध्यान रखना। बगरू अपने स्या बगैर काला लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध। बगरू जयपुर प्रसिद्ध, जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले में फूल पत्ती पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते। आगे देखते हैं अपन, इसके बाद में अब देखो सांगानेर। सांगानेर में, सांगानेर कहाँ पर है? जयपुर में। अब देखो अन्य स्थानों से विभिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते। यहाँ के छिपों का प्रमुख योगदान सुंदर सौम्य और मोहक रंगों तथा ल्यामत बूटियों में है। पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव, फूलों की बारीकी देखकर प्रतीत होता है कि मानो ठप्पा बनाने वाले खरीदी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया है। उसके बाद में अपन देखते हैं, क्या आप जानते हैं सांगानेरी हैंडीक्राफ्ट प्रिंट, बगरू हैंडीक्राफ्ट ब्लॉक प्रिंट तथा कोटा की डोरिया हैंडीक्राफ्ट से संबंधित भौगोलिक। ये देखो ये आरएस में पुरुष राजस्थान के दो भौगोलिक संकेतों को एक नाम सांगानेर का ये भौगोलिक इसको दिया। बगरू का हैंडीक्राफ्ट प्रिंट है, कोटा की डोरिया को हैंडीक्राफ्ट ने संबंधित श्रेणी भौगोलिक संकेतक प्राप्त है। कहाँ पर? सांगानेर का और बगरू का और कोटा का। भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है जो किसी उत्पाद देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं जो ऐसे गुणवत्ता व विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान क्षेत्र या देश के साथ होता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था आरएस के अंदर, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया आरएस मेन में, 2 नंबर का प्रश्न आया था। तो आप आराम से, यहाँ 3 दिए हुए हैं, कौन कौन से? सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में रखा गया। अब आगे देखते हैं अपन, बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून मांगरोल कोटा का मंसूरिया, कोटा का मंसूरिया, तनसुख मथानिया जोधपुर की मनमल, कहाँ की है? तनसुख मथानिया जोधपुर। बीकानेर जैसलमेर के ऊन के विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम आते हैं।
टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती, यहाँ जालौर तथा मरोठ कस्बे में अच्छी बनती टुकड़ी, ध्यान रखना। वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काट कर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता है और इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों, ऊंट बैल आदि की झूले, बहली रथ आदि के पर्दे और तंबू कनातों को सजाने के लिए किया जाता है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते, क्या टांगते, गोटा। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बैल को गोटा कहते हैं। गोटा किसे कहते हैं, ये देखो, बादले से बनी बैल को गोटा कहते हैं। गोटा, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी आदि के विविध प्रकार, ये लप्पा लप्पी का प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड में। सोडाई के अनुसार गोटा सोम्या, आठम्या आदि प्रकार का होता है। ये भी पूछ सकते हैं किसके प्रकार है, सोम्या, आठम्या, गोटे के प्रकार। सोडा गोटा लप्पा और कम सोडाई वाला लप्पी, सोडा गोटा लप्पा और कम सोडाई वाला लप्पी कहलाता है। सोडा गोटा लप्पा लप्पी, राजस्थान सीकर जिले का खंडेला कस्बा, देखो अच्छा प्रश्न है, गोटा उद्योग का प्रमुख केंद्र। सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती है, जिसमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे क्या कहते हैं, पैच वर्क कहा जाता है। शेखावटी का प्रसिद्ध वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत, बादले से कढ़ाई की जाती है और पूर्वी दक्षिणी राजस्थान में उल्टी बखियां, चैन और लंबे छोटे टांकों से बड़ी बारीक ढंग की कढ़ाई होती है। पुरुषों के वस्त्र जामा, शुंगा, अंगरखे आदि प्रकार की होती है। पश्चिमी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से बने काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टांकों से भराव करके बीच बीच में शीशे से टुकड़े का जड़ाव होता है, वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। जैसलमेर, बाड़मेर आदि में ये कढ़ाई आज भी प्रचलित है। अब अपन देखते हैं आभूषणों के बारे में, यहाँ अपन देखते हैं। सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह है और राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं है। स्त्रियों में यह चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। राजस्थान प्राचीन काल से आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा और आहाड़ के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। कुछ समकालीन मिट्टी के खिलौने और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां और कड़े, पैरों में खड़वे और गले में लटकन वाले हार पहनती थी। ये सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित थे। निर्धन स्त्रियां कांचा, पीतल, तांबा, कोड़ी, सीप और मूंगे के गहने से खुद को सजाती थी। हाथी दांत में निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे। मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफ़ी परिवर्तन आए। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक वानगियाँ देखी जा सकती हैं। ओसिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, देखो कुंडल है, कुंडल है, हार, बाजूबंद, कंकन, नुपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप और प्रकार, आकार प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं। आभूषण के ये प्रकार वर्तमान काल में भी प्रचलित। स्त्रियों द्वारा सिर पर धारण किए जाने गहने में कौन कौन से हैं, देखो यहाँ सिर पर क्या होता है, बोर, बोरला, सील, शीशफूल, रखड़ी, टिकड़ा कहा जाता है। कंठ में धारण करते हैं थम्बणियों, थेड़ियों, आड़, मूठिया, झालरा, ठुस्सी, कापर कंठ में। गले में वक्ष पर धारण करने वाले आभूषण तुलसी, बटजट्टी, हालरो, हांसली, तिम्बणिया हैं। उसके बाद में कहाँ पर, ये है गले और वक्ष स्थल पर। कंठ, कंठ में कौन कौन सी हैं, झालरा, ठुस्सी कंठ में, चंद्रहार, कंठमाला हैं। उसके बाद हमेल, हांकर, मादलिया, चपकली, हंसहार, सरी, कंठी आदि, ये कहाँ पर हैं, जो गले और वक्ष धारण, वक्ष पर धारण करते। अब देखो कानों में पहने जाले वे कर्ण फूल है, पिपल पत्रा है, फूल, झुमका, अंगोटिया, झेला, लटकन, टोटी आदि। हाथों में कंकण, मोकड़ी, लाख से निर्मित चूड़ियों को मोकड़ी कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, कत्रिया, कांच की चूड़ियों को कत्रिया कहा जाता है। नोगरी है, उसके बाद में चाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी प्रमुख। इसी प्रकार में बीटी, अंगुलियों में बीटी, दामना, हथपाल, छड़ा और पाँव में कड़ा, लंगर, पायल, पाजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी आदि पहने जाते। नाक में नथ, बसेर, बावरी, भोगली, कांटा, चूनी, चोप।
भंवर कली आदि। कमर में आगे देखते हैं, कमर में कंदोरा करधनी आदि। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ जाती है, जिसे क्या कहता है? रखन कहा जाता है। ये अच्छा प्रश्न है, रखन। यहाँ किसी स्त्री का दांतों के बीच में सोने की कील जमावना चूप कहलाता है। ये चोप और चूप में अंतर है। चूप दांत में, चोप है वह कहाँ पर है? नाक में। राजस्थान में अपन देखते हैं, राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। कानों में मुरकियाँ, लौंग, जाले, सेलकड़ी, हाथों में बाजूबंद कड़ा, नरमुख, अंगुलियों में अंगूठी, बीठिया, मुंदड़िया आदि पहनने का जो रिवाज था वो अब काफ़ी कम हो गया। अब देखिए आगे अपन देखते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी ये आभूषण पहने जाते हैं। बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं। बच्चों के कंठ में क्या होते हैं? हौसली होता है, कंठ में हौसली, हाथ में पाँव के कड़े, कानों में मोती या लूंग पहने जाते हैं। हाथ और पाँव में कड़ों को कुंडलियाँ कहते हैं। पाँव में पहने जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुंघरिया फांद दी जाती, जिसको क्या कहते हैं? जांजरिया कहा जाता है। इसे पेंजनी भी कहा, जांजरिया को क्या कहते हैं? पेंजनी कहा जाता, घुंघरिया फांद की जाती। राती छित्री में सोने का खेरा मुंह का आंखा रचकन बांधकर तैयार किया जाता है। कंठ या श्रृंगार जिसे क्या कहते हैं? रत्यावड़ी और नहीं हो नरज्या कहलाता है। बच्चों का कान छिदवा करके सोने का जैसे कि कुक्कड़ पहना दी जाती है। किसकी क्या होती है? कुक्कड़। अब आगे देखते हैं, इन्हीं छिद्रों मोती, लूंग, गुदड़ा, मुर्की, बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की कुक्कड़ मुर्की कहलाती है। अब देखो यहाँ पर आपके देखे ये अलग अलग आभूषण दिए गए, कौन कौन से यहाँ पर आपको दिए दिखाई देते होंगे। जैसे यहाँ रखड़ी, बोर, टीला, शीशफूल, झेला, टोंटी है, ये खूंखाली, लूंग, ये सभी आभूषणों के कौन से? स्त्री के आभूषण यहाँ आपको दर्शाए गए हैं। अब देखते राजस्थान में आभूषण निर्माण भी बहुत समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक के मनोमस्तिष्क में आभूषणों की कितनी महत्ता थी, इसका भान इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम जौहरी बाजार रखा। यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम माणक चौक, और क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषण और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध है। नाथद्वारा नाथ जी का नगरी जो अपने आभूषण तारकशी के धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध नाथद्वारा, और प्रतापगढ़ व थेवा कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, पूरे देश में अपनी अलग पहचान लिए हुए। अब देखो अपन देखते हैं कसुमल का कौन सा होता है। अब भी देखा अपन ने, लाल रंग होता है। सीकर जिले का स्थान गोटा के लिए प्रसिद्ध है। अपन देखते हैं कौन सा है, ये आपने अभी देखा है, कौन सा है? खंडेला। बोरला आभूषण, बोरला आभूषण कहाँ पर? बोरला व सिर पर, अभी अपन ने देखा था ये बोरला आभूषण सिर पर। अब आगे देखते हैं, दांतों के बीच में सोने की कील जड़ाना क्या कहलाता है? ये चूप कहलाता है, अभी अपन ने देखा क्या कहलाता है? चूप कहलाता है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? अभी अपन ने देखा था थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ये देखो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध। बहुत अच्छे प्रश्न है ये। अब अपन आगे बढ़ते हैं, मुर्की से कान में जो छोटे बच्चों के सोने का कठोर आभूषण उसको मुर्की कहा जाता है, तो अलग अलग नाम से अपन इनको जानते हैं। ये अपन प्रश्न है पैंजनी आभूषण के बारे में बताइए। ये देखो अब ठुसी, पीपल पत्रा, दामना, बोरला, तो इसको आपको सम्मिलित कर सकते हैं आप। यहाँ अभी अपन ने आभूषणों के बारे में देखा, तो यहाँ देखो ये ठुसी आ गया है। ठुसी के बारे में सबसे ऊपर अपन देखते हैं ठुसी कहाँ पहना जाता है, ये बोरला, ये सिर पर, शीशफूल, रखड़ी पहने जाते हैं। इसके बाद में यहाँ हांसला, तिमणिया, पोतिया, ठुसी कहाँ पहने जाते हैं? कंठ में धारण किया जाता है, ठुसी, शीश पर, बोरला, तो इस प्रकार आप सम्मिलित कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना, बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये, और प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से तो यह बहुत शानदार है। थैंक यू।